और केंद्र सरकार अपने 3 सालों में मोदी फेस्टिवल के तौर पर मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। मोदी फेस्टिवल 26 मई से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। 20 दिनों के इस फेस्टिवल में केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, नेता जनता के बीच सीधे जाकर 3 सालों की कामयाबियों का बखान करेंगे। तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार कर दिया है। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी देश भर में मोदी फेस्टिवल मनाएगी। बीजेपी मोदी फेस्टिवल का मतलब मेकिंग ऑफ डेवलपिंग इंडिया बता रही है। 26 मई से शुरू होने वाला यह फेस्टिवल 15 जून तक चलेगा। इन 20 दिनों में केंद्र सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी के सांसद शहर शहर जाएंगे और लोगों को केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। इस दौरान 900 शहरों में कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें 450 नेता सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में हिस्सा लेकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्य कार्यक्रम गुवाहाटी में होगा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। मोदी न्यू इंडिया कैंपेन भी लॉन्च करेंगे। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है उस विभाग से संबंधित लगभग 50% स्कीमें सरेंडर होती थी। सबसे पहली बड़ी उपलब्धि जिसके लिए मैं प्रशंसा करना चाहूंगी टेक्सटाइल विभाग के सभी ऑफिसर्स का, राज्य मंत्री का और पूरी टीम का। बुद्धिजीवी वर्ग का इंटेलेक्चुअल्स मीट होगी, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रस्तुतीकरण उसका होगा। उसके साथ स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम उन जिलों में होगा, वहां पे माननीय मंत्रीगण उसमें भाग लेंगे। मोदी फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री आम लोगों के साथ भोजन पर भी चर्चा करेंगे। उत्सव के दौरान हर जिले में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 3 साल के उत्सव की कमान राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास रहेगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में भी जाएंगे। मोदी फेस्टिवल के तहत बीजेपी एक बुकलेट निकालेगी, जिसमें 3 साल की तुलना यूपीए के 10 साल के कामकाज से होगी। मोदी फेस्टिवल में बीजेपी ने मुख्य फोकस किसान, मजदूर, महिला, दलित और पिछले वर्ग पर किया है। सबका साथ सबका विकास सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों का वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन भी होगा, लेकिन कांग्रेस को मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियां रास नहीं आ रही। जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना में किसानों की बजाय निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। साथ ही कहा कि देश में हर रोज 35 किसान खुदकुशी के लिए मजबूर है। किसानों की आहुति देना ही अब भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। हर रोज देश में 35 किसान भाजपा के शासन में आत्महत्या करने को मजबूर हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। केंद्र सरकार के 3 साल के कामकाज पर जेडीयू ने भी निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पीएम ने जो दो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया है। 56 इंच के सीना, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा, लेकिन बिहार सरकार की तर्ज पर रिपोर्ट कार्ड नहीं जारी करेंगे, उत्सव मनाएंगे मुंह से। तो जिन वायदों को आपने देश की जनता के सामने पूरा करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? केंद्र की मोदी सरकार 3 साल की कामयाबी को मोदी फेस्टिवल के तौर पर मनाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं विपक्ष है कि उसे सरकार की योजनाओं और उसकी नीयत पर खोट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।